सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो ओम शांति। इस विद्यालय में मैंने एक ही दिन क्लास किया केवल। भक्ति में बहुत चात्रक थे, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, हनुमान चालीसा, छोटेपन से ही बहुत लगन थी। तो एक दिन हम आरती करके जैसे ही पीछे को देखा तो एक सफेद वस्त्रधारी दिल्ली में बहन थी खड़ी, उसने बोला कि बहन जी आपकी आरती पूरी हो गई का रोज आप विषय विकार मिटाओ पाप और देवा गाते हैं, आपने कोई विकार मिटाया भी है? तो हमने बोला कि विकार शायद नहीं मिटाए जा सकते। मनुष्य की जीवन वर्तमान समय एक नाली के कीड़े के समान हो गई है। भले ही भक्ति पूजा करते हैं लेकिन फिर डुबकी उसी में लगाते हैं गंदगी में। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, हमारे विद्यालय में आप आकर के देखिए। हमने कहा अच्छा। तो बोले गीता पढ़ती हो तो उसमें लिखा है अर्जुन, भगवान ने जो अर्जुन को शिक्षा दी वो अर्जुन ने उसको प्रैक्टिकल किया था कि खाली सुनकर के, जैसे हम लोग आप लोग सुनते हैं सुनकर के उसको बंद कर देते हैं। मैंने अर्जुन ने तो प्रैक्टिकल किया था, तो प्रैक्टिकल करना चाहिए ना। गीता पढ़ने का मतलब क्या है? गीता में जो पढ़ा जाता है उसको अपने जीवन में इस्तेमाल भी तो करना चाहिए उन बातों को। तो छोटी विद्या बहन थी दिल्ली में, उसके वाणी में बड़ा फोर्स था। उसने बोला कल मेरे साथ चलना, देखना चल करके हमारे विद्यालय में कैसी शिक्षा मिलती है। दूसरे दिन फिर मैं गई कमला नगर में दिल्ली में, तो दादी ऑलराउंडर जी ने मेरा क्लास लिया पहला। त्रिमूर्ति पर समझा रही थी मुझे और बोली कि मैंने तुम्हें क्या सुनाया मुझे सुनाओ। तो हमने कहा ये तो मालूम ही नहीं था कि कोई सुनाता है तो फिर वो पूछेगा भी कि तुमको क्या सुनाया, ऐसा कभी सुना ही नहीं था। हमने कहा अब भी तो मेरे ध्यान में नहीं, मैं कल सुना दूंगी आपको। तो परिवार में जाके पूछा कि भाई ऐसा ऐसा विद्यालय है, बड़ी अच्छी शिक्षा है। तो बोला नहीं नहीं वहां नहीं जाना, वो बड़ी खराब जगह है, वहां पर तो सब लूट लिया जाता है, सब जीवन बर्बाद हो जाता है, वहां नहीं जाना। जाने नहीं दिया गया। एक बात समझ में आई कि इस विद्यालय में बहनों की जो लाइफ है वो पवित्र है। भगवान आकर के पवित्र दैवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं, ये बात मेरे को समझ में आई थी एक दिन, फर्स्ट दिन यही क्लास सुनने के बाद। पवित्रता बहुत आवश्यक है मनुष्य जीवन के लिए। तो हम अज्ञान काल में भी भक्ति मार्ग में सतियों के इतिहास पढ़ा करती थी और जिन सतियों ने हाथ उठा दिया तो सूरज भी नहीं निकला, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। इस कारण से मुझे इस विद्यालय की पवित्रता बहुत भागी बात की। हाँ मनुष्य का जीवन पवित्र होना चाहिए, भगवान ने कहा पवित्र बनो योगी बनो। तो हमने कहा ठीक, हमने फैसला कर लिया पवित्र जरूर रहेंगे। तो पवित्र रहने के लिए क्लास में तो हम दोबारा हमको जाने को नहीं मिला कभी भी, लेकिन पवित्र बनने के लिए कितना संघर्ष किया होगा ये तो बहुत लंबी कहानी है। कितने जुलम सितम हुए होंगे ये सुनाने में, तो हमें तो पता ही नहीं लगा वो वक्त कहाँ चला गया, वो कैसे गुजर गया कि
अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए, अपनी पवित्रता को कायम रखने के लिए कितना सताया गया, कितना खोलता खोलता पानी भी डाल दिया हमारे पर और फिर ठंडा पानी भी डाल दिया। तो अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो आपको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। भगवान ने कहा है पवित्र बनो, हालांकि बाबा को देखा भी नहीं था, कुछ नहीं था। एक बात समझ में आ गई, ऐसे ही संघर्ष करते करते बहुत मजबूती में रहे, एक ही शब्द ने बहुत बल दिया, पवित्र रहना है बस। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सारा संसार ही टूट जाए, छूट जाए, कुछ न मिले। तो एक दफा मालूम हुआ कि मातेश्वरी राजौरी गार्डन में आई हुई है। तो हम, हमारे लौकिक ब्रदर रहते थे वहाँ फादर वीना नगर में, मैं वहाँ गई। मैंने कहा भी मेरे को मातेश्वरी से मिला दो। हमने 3 दिन खाना नहीं खाया, योग लगाते रहे कि मामा से कैसी मुलाकात होगी। तो किसी भी बहाने से हम अपने पिताजी के घर गए और जाकर के भाई से बोला। तो हमारे फादर जो है वो सिंध हैदराबाद में सर्विस करते थे, इंजीनियर थे वहाँ पर अंग्रेजों के साथ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये संस्था ठीक नहीं है, इसका बड़ा हंगामा अखबारों में हम पढ़ते थे, आप नहीं जाना उसमें। हमने कहा कि हम मिल तो आए मातेश्वरी से जाकर के। वहां से हम लोगों ने 3 व्हीलर करके राजौरी गार्डन में पहुंचे, मातेश्वरी जी से मुलाकात हुई। थोड़ी देर मामा मेरे को समझाती रही और फिर मामा ने मेरे से 3 प्रश्न पूछे। कहा कि तुमने गीता पढ़ी है? मैंने कहा जी हाँ। कहा रामायण पढ़ी है? मैंने कहा जी हाँ पढ़ी है। भागवत पढ़ा है? मैंने कहा हाँ जी वो भी पढ़ा है। कहा फिर क्या समझा? तो मैंने बोला रिपीट हो रहा है, मैंने इतना ज्ञान नहीं, सृष्टि चक्र के बारे में भी मुझे नॉलेज इतना नहीं था। मामा ने उसी समय समझाया थोड़ा सृष्टि चक्र के बारे में और फिर प्रश्न कर दिया। तो मैंने कहा रिपीट हो रहा। तो दीदी, बड़ी दीदी जी, मनमोहनी दीदी जी बैठी थी हमारे बाजू में और मेरा हाथ मम्मा ने अपने हाथ में लेके पकड़ के और दीदी जी के हाथ में दिया। कहा दीदी इस रतन की संभाल करना हमेशा, ये बाबा का रतन। बस वो हमारी मातेश्वरी जी के साथ मुलाकात थी। फिर चलते चलते संघर्ष के दौरान में ऐसा ही मौका आ गया कि भगवान को अपना बनाना था और उनको धक्का देना था। कहते ना किसी समय धक्का दे दो तो जैसे पत्थर भी लुढ़कते लुढ़कते कहीं मंदिर के किनारे पहुंच जाता है तो वो भी लोग उसको भी ऐसे हाथ जोड़ मत्था टेक देते हैं। तो फादर हमारे बहुत डिस्कशन किया करते थे, वो अंग्रेजों के साथ सर्विस करने वाले थे। कहते कहां जाती हो तुम? मैंने कहा भगवान का अवतरण हो चुका है इस भारत भूमि पर और भगवान सभी को पावन बनाने के लिए आए हुए हैं। तो बोले कहां है वो अर्जुन, कहां है कृष्ण, कहां? तो ये संगठन ब्राह्मण कुल जिसको मामा बाबा ने तैयार किया। तो मातेश्वरी का क्लास सुन के मेरा भाई था छोटा, उसको भी, वो हाई स्कूल में पढ़ता था, उसको बहुत अच्छा लगा, वो भी नगर क्लास में जाने लगा। तो फादर ने बहुत विकट रूप धारण किया कि तुम नहीं जा सकते, लेकिन वो चला जाता था जैसे तैसे करके। एक दफा बिना नगर केंद्र पर ब्रह्मा भोजन था तो सब लोगों ने सहयोग दिया। तो वो भाई भी हमारा कहीं से पैसा इकट्ठा करके 10 किलो चीनी लेके गया। तो इंदर भैया रहते थे वहाँ, मोनी बहन थी, तो इन लोगों ने बोला आप चीनी ले जाओ वापस, हम लोग नहीं लेते हैं, तुम तो कमाते नहीं हो, जो तुम्हारा बाप इतना एंटी है उसकी कमाई की है, हम लोग चीनी नहीं खाएंगे, वापस लेके जाओ। तो चीनी वो वापस ले गया घर। तो हमारे पिताजी ने सोचा कि ऐसी कौन सी संस्था है जो लोग तो मांगते हैं, घर घर आकर के पर्चियां कटवा के पैसा मांगते हैं, ऐसी संस्था देश के अंदर दुनिया के अंदर जो घर में चीनी लेके गया और उन्होंने वापस कर कहा मैं चल के देखता हूँ। उन्होंने जाके देखा तो बहुत अच्छा लगा, योग चल रहा था, लाल बत्ती जल रही थी,
फिर बाबा की मुरली सुनाई गई, तो उसमें था कि बाबा किसी को, कोई बच्चा सिगरेट पीता हो ना तो उसको मैं बहुत अच्छी सिगरेट दे सकता हूँ। तो उन्होंने सुना, तो सुन करके सिगरेट बहुत पीते थे, उसी दिन सिगरेट का उन्होंने फर्स्ट दिन जाने से ही त्याग कर दिया। और फिर वो रेगुलर क्लास वो भी जाने लगे, उनको बहुत अच्छा लगने लगा। अपना भी चलते चलते बहुत जगह मौका मिला सेवा करने का, छोटी सी छोटी जगह देहात में भी गए। एक ककोड़ गांव था, वहां दीदी ने मेरे को भेज दिया, वहां गए। उसके बाद फिर ये हापुड़ का बड़ा झगड़ा चला, तो दीदी को बहुत फिक्र रहती थी कि ये अकेली है, कोई इसको उठा के न ले जाए, कोई इसके ऊपर वारदात ना हो जाए, तो दीदी को बहुत चिंता थी। बुलाती थी रोज टेलीग्राम करके, चिट्ठियां लेके, कभी किसी भाई बहन को भेजती थी। तो वहाँ के जो लोग थे देहात के, छोटे से देहात में, वहाँ हम जब गए तो हमें पहला मौका मिला देखने का, बैलगाड़ी के अंदर हम गए। तो शाम का टाइम था, सिकंदराबाद की बहन थी सावित्री बहन मुझे छोड़ने के लिए गई, तो देखा कि बैलगाड़ी में हम बैठे थे और गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चे हो करते सब पीछे से आ रहे थे, और औरतें सब दरवाजे से निकल निकल के इतना बड़ा घूंघट निकाल के। उस देहात का मैंने पहली दफा दृश्य देखा। तो दीदी ने मुझे कहा कि तुम इधर क्यों आई, तो मैंने कहा दीदी एक माता कह रही थी कि हमारे गांव में आ सकती हो, मैंने कहा हम सेवा कर सकते हैं। कहा तुमने क्यों बोला? दीदी ने कहा कि ये कहाँ जाएगी, गाँव वाँव जानती नहीं कुछ भी, इसको ले जाओगे वहाँ परेशानी होगी। बोली नहीं मैं जाऊंगी, लेके जाऊंगी, नहीं आप भेजेंगी तो मैं यहाँ अनशन करके बैठी हूँ, खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी। राजौरी गार्डन की बात ऐसे करके दीदी ने कहा जाओ दो तीन दिन में वापस आना। लेकिन वहाँ मुझे 6 महीना 8 महीना लग गया, बहुत अच्छी सर्विस चली, बहुत माताएं बन गई, बहुत अच्छा क्लास, किसी ने मकान भी दे दिया। इस प्रकार से बाबा की चिट्ठियां भी आती थी, बाबा रेड कलम से लिख करके भेजते थे, तो बाबा को देखा नहीं था उस समय। फिर दिल्ली में आना हुआ, तो एक दफा दोपहर के समय हम बाबा से मिलने के लिए ऐसे ही गुप्त रीति से गए, 3 बजा था। ये रानी मुजफ्फरपुर वाली, ये बहुत छोटी सी थी, बस्ता टांगे, ये भी स्कूल से आई, इसकी मां थी पुष्पाल बहन। तो मैं भी गई, तो अंदर जब बाबा को देखा कि बाबा, मम्मा को तो देखा ही था, मम्मा तो जैसे, मम्मा के नैन ही ऐसे थे कि लगता था कोई भी आत्मा आ जाती थी, उसके फोकस पड़ता था, जैसे एकदम जीवन का परिवर्तन हो जाता था। तो बाबा को देखा, देखते रहे, थोड़ी देर दृष्टि देते रहे, ये ऐसा कोई परम पुरुष है जिसकी नेत्रों में भगवान वास करते हैं, ऐसा अनुभव हुआ। कहा बच्ची को टोली खिलाओ, तो रुक्मिणी दादी जी ने एक टोली बर्फी लाई, कुछ कहा नहीं कुछ और लेके, फिर कुछ और लेके आई, तो कहा नहीं कुछ और लेके आओ, तो फिर ड्राई फ्रूट वो लेके आई। फिर बाबा ने मेरे को दिया, कहा बच्ची सफलता पाओगी, ऐसा वरदान बाबा ने दिया और मैं वहां से आ गई। संघर्ष के साथ साथ फिर ट्रांसफर फादर की पंजाब में हो गई, उधर जाना पड़ा। वहां फिर बस वहां गए तो फिर यही धंधा, हम यही सुनाते थे, आत्मा परमात्मा की संतान है, योगी बनो, पवित्र बनो अपने जीवन को। मुरली आती थी उन दिनों में हाथ की लिखी हुई, वो सुनाते थे। तो वहाँ केंद्र की स्थापना हो गई, मातेश्वरी भी आ गई वहाँ पर। दहली से बहुत बहन भाई आने लगे, हमारी मोहनी बहन, बाबा ने इनको भी कहा, ये भी एक मास आकर के हमारे पास वहाँ रही। इस तरह से सेवा करते 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 यहाँ तक कि अदालत का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि बंधनों से मुक्ति चाहिए मनुष्य को, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिर एक दफा मैं बनारस में गई हुई थी मातेश्वरी को आना, तो मैं आ जा रही थी बराबर, मातेश्वरी जी क्लास करा रहे थे, मैं जा रही थी, तो मामा बोली दुलारी तुम ठीक हो? मैं चुप रही। कहा बोलो खुश हो? मैं चुप रही। तो मामा ने कहा क्या बात? मैंने कहा बाबा को अभी नहीं देखा है। तब मुझे 4 वर्ष हो चुके थे यज्ञ में रहते रहे, मैंने अपने मुख से कभी नहीं बोला था कि मुझे भी माउंट आबू जाना है। देख जिनके साथ हम जुड़े हुए थे, बनारस वाले भाई साहब गुप्ता जी थे, उनके साथ दीदी ने वहाँ भेजा मेरे कानपुर में, और कहा कि मैं, तुम तैयार हो जाओ, मैं अपने साथ लेके जाऊंगी तुम्हें।
तो गुप्ता जी इतने में आगे बोलो, नहीं नहीं मामा आप नहीं लेके जाओ, मैं खुद लेके आऊंगा इस माउंट। इस तरह से करके मामा ने बोला क्या विचार है, अब जिनके संग रहते हैं हम उनके साथ भी हमको कैसे चलना चाहिए, आधार मुहूर्त जो बनते हैं पहले पहले। तो हमने कहा मामा जैसे भाई साहब कहें वैसे। इस तरह से फिर हम लोगों की कानपुर से 30 की पार्टी यहाँ आई थी। बाबा को इतनी खुशी, पहली पार्टी थी 30, कानपुर से 30 की पार्टी आई, बहुत बड़ी पार्टी आई। तो बाबा ने इतना सम्मान किया, और ये जो सुखधाम के पीछे भवन ऊंचा लंबा सा बना हुआ है, हम लोगों के लिए वो किराए पर लिया गया, उसमें हम लोग ठहरे। शाम को वहाँ यहाँ बाबा क्लास कराते थे, तरपाल बिछा लेते थे, नीचे गद्दी पर बैठ जाते थे और क्लास कराते थे। तो बाबा की मुरली में एक दिन था कि बाबा को इंजीनियर चाहिए। मैंने दिल्ली में जाकर के अपने फादर से कहा आप किसके लिए कमाते हो, बाबा को इंजीनियर चाहिए मकान बनाने के लिए, इतना पैसा कमा के कहाँ ले जाओगे, जाइए आप सेवा करिए थोड़े दिन। तो हमारे फादर उसी समय इस्तीफा दे करके सर्विस को आ गए, और रात्रि की गाड़ी से हमने बिठा दिया। फिर वो यहाँ आके पहुँचे, 4-5 वर्ष तक यहाँ रहे, और ये हाल उन्हीं के हाथ का निर्माण बनाया। तो बाबा मेरे को फिर कानपुर में रहने का मौका मिला, कैसे कैसे हम पहुँचे कानपुर में, जानते नहीं थे यूपी कहाँ, उत्तर प्रदेश किधर जाना है। दीदी जी को केवल वहाँ से निकालना था देहात से, तो दीदी जी ने चिट्ठी लिख करके टेलीग्राम दिया कि तुम्हारे फादर की कंडीशन बहुत खराब है, मुंह देखना तो देख लो, क्योंकि वहाँ के लोग मुझे छोड़ते नहीं। तो फिर 2-3-4 भाई लोग मेरे साथ आए, फादर हमारे उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनवा रहे, तो उनको दिखाने के लिए दीदी जी ने मुझे रात को ही गाड़ी चढ़ा दिया इलाहाबाद की। और मैं जानती नहीं थी अकेले कैसे गाड़ी में जाया जाता है, किधर जाया जाता, मैं इतनी कोई समझदार भी नहीं थी, इतनी अकल वाली भी नहीं थी। और बिठा दिया और एक टेलीग्राम दे दिया, एक्सप्रेस लेटर भी डाल दिया, उन दोनों में टेलीफोन वगैरह तो थे नहीं, और कहा इसको उतार लेना। और मैं पहले पहुंच गई, एक्सप्रेस लेटर टेलीग्राम कुछ नहीं पहुंचा, इलाहाबाद गई तो जाकर के देखा कि रिक्शे वाले को बोला भाई कल्याणी देवी पहुंचा दो, तो हम पहुंच गए। वहां गए तो जिस केंद्र में सेवा करते थे वहां के लोगों से जैसे छुड़ा दिया, तो थोड़ी तकलीफ हुई कि भाई बहन रो रहे हैं, कह रहे मत जाओ। तो दीदी बोलती देहात में तुमको रहना जरूरी है क्या, अच्छा है क्या देहात, तुमको कहीं और निकल के सेवा करना है। खैर कानपुर में पहुंच गए, फिर नलिनी बहन और हम दोनों इलाहाबाद से कानपुर पहुंचे। थोड़ी देर क्लास में बैठे, गुप्ता जी ने कहा कि बोलो आप लोगों को मंजूर है बहन यहाँ रहेगी। बाबा के गुप्ता जी के पास टेलीफोन था, बाबा को फोन किया, मामा को फोन किया, मामा इसको आदेश दीजिए कि इसको यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, ऐसे करके कानपुर में रहना होगा। फिर यहाँ आए, बाबा से भी मिले, बाबा ने इतने वरदान दिए। एक दिन बाबा कह रहे, नवंबर दिसंबर का महीना था, बाबा बोले मामा जी यहाँ बैठती थी, बाबा इधर बैठते थे। जब मामा की मुरली खत्म होती थी तो बाबा जब मुरली चलाते थे तो मामा घूम के बैठ जाती थी, बाबा की मुरली बस ऐसे हाथ रखे सुनती थी, और बाबा कुछ मामा को कहते थे तो जी बाबा करके। तो मैं यहाँ आई जब, तो बाबा ने कहा कि बच्ची दिलवाला मंदिर में जाना, वहाँ के जो मैनेजर है उनको तुम समझाना कि प्रजापिता ब्रह्मा ने, ये आदिदेव ब्रह्मा ने ये स्थापना का कार्य किया। और सायंकाल शाम को 7 बजे बाबा मेरे को कहते थे जितने भी यहाँ के अधिकारी ऑफिसर्स हैं माउंट आबू में, सबके बंगलों पर जाकर के तुम सेवा करके आओ, उनको समझा के आओ कि भगवान शिव का प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ईश्वरी कार्य हो रहा। दिलवाला मंदिर में मैं गई तो वहाँ के मैनेजर से मिली, तो वहाँ उनकी मीटिंग हो रही थी, 40-45 लोग बैठे हुए आपस में कोई मीटिंग कर रहे थे। मैंने कहा भाई हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक मैसेज लेके आए हैं भगवान का, शिव पिता परमात्मा ने ब्रह्मा के माध्यम से आपको आमंत्रित किया है, आप आइए। और फिर उनको बात बताई थोड़ी सी, ये यादगार दिलवाला मंदिर किसका प्रतीक है, किसने स्थापन किया था ये जड़ यादगार, बना जरूर किसी किन्हीं चैतन्य लोगों ने, चैतन्य देवियों ने तपस्या की होगी, यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा का आदि देव का मंदिर है, भगवान शिव का भी है, प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से सनातन धर्म की स्थापना कैसी होती है, ये आदि देव मंदिर कैसे बना। तो हालांकि मेरे अंदर कोई ऐसी अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, लेकिन बाबा अव्यक्त बाबा कैसे कार्य कराता है एक बड़ी वंडरफुल कहानी है। शाम को 40-45 लोग बाबा से मिलने के लिए यहाँ आए, और मेरे साथ जो भाई थे जिन्होंने कानपुर में एक स्थान, प्रोफेसर थे वो रामचंद्र तिवारी, उन्होंने वो भी आए यहाँ, उनके साथ ही बाबा मेरे को भेजते थे, कहते थे बच्ची को इंग्लिश पढ़ा दो,
तो हम लोग जाते थे बंगलों में, जो सरकारी अधिकारी ऑफिसर्स यहाँ रहते थे, सबको जाके सुनाते थे। बाबा ऐसे ऐसे पत्र निकालते थे सिंध पाकिस्तान के लिखे हुए, सुनाते थे हम लोगों को। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स देते थे, सिखा के जाते थे, फलाने अधिकारी के पास जाओ, उसको ये समझाना वो समझाना। तो रोज जाते थे, इक्का दुक्का अधिकारी मिलने के लिए भी बाबा से आते। इस तरह से सर्विस बाबा ने यहाँ रह करके, हम तो कुछ भी नहीं थे, जानते समझते भी नहीं थे, लेकिन भगवान को ये कार्य कराना। बाबा ने कहा बाबा मामा, बाबा इस बच्ची को कहीं भी भेज देगा, ये सफलता को जरूर पाएगी। बच्ची के ऊपर बाबा को बहुत विश्वास। इस तरह से करके, जैसे बाबा ना कुछ थे, हम देखते थे बाबा यहाँ बैठते थे, हम लोग शॉल भी ओढ़े हैं, स्वेटर भी पहने हैं, पैरों में मोजे भी पहने, और बाबा ऐसे बैठे हैं और कुछ नहीं, ना स्वेटर है ना कुछ है, और मुरली चलाने। बाबी तो आप लोग नेत्रों में देखिए बाबा का, वही था, इसे एक नजर से ऐसे देखते थे और पूरा जैसे की सब बता देते थे। एक दफा मैं स्टूडेंट को लेके आई यहाँ, बाबा ने बोला बच्चे अपना डिफेक्ट बताओ पहले। बाबा यहाँ दे रहे थे, जिस युगल को मैं लेके आई, बाबा ने उसकी युगल को गोल्डन हार पहनाया और भाई को कुछ अंगूठी दिया। तो वो बोला मेरे को भी बाबा दो कुछ। तो बोला नहीं, तुम्हारी धारणा ठीक नहीं, लिख के दो तुमने क्या गुनाह किया, पाप कर्म किया। तो जब मेरे को बाबा को उसने लिख करके दिया, बाबा ने मेरे को बुला के कहा बच्ची देखो, इन स्टूडेंट्स को भी समझना होता है इनकी धर्म धारणा क्या है। देखा तो वाकई उसकी इतनी गड़बड़ लाइफ थी। तो मामा बाबा इससे पहचान लेते थे। एक दफा मामा बाबा की गोद में सब लोग जाया करते थे। एक दफा पार्टी बैठी थी तो सभी लोग मामा की गोद में जा रहे थे। जब एक भाई जाने लगा तो मामा ने मेरी तरफ देखा, वो कहे मैं भी गोदी में जाऊंगा मामा की। मामा बोली जब टीचर हाँ कहेगी तो मैं, इजाजत नहीं, टीचर के बगैर इजाजत नहीं। वो मेरी तरफ देखता, मैंने तो सिर नीचे कर लिया। मैंने कहा मामा जाने, वो स्टूडेंट जाने, बाबा जाने, मैं हाँ ना मैं क्यों जाऊं किसी। मैंने नहीं कहा कि बहुत अच्छा है या खराब है, कुछ नहीं बोला। ऐसे ही बाबा एक दफा मैं आई तो जहाँ इंद्रप्रस्थ बना है कॉर्नर में, बाबा मेरे को ले गए हाथ पकड़ के, बच्ची यहाँ बाबा एक स्कूल बनाना चाहता है, ट्रेनिंग रखेगा, बहुत बांदेलियां हैं, उनको सिलाई सिखाई जाएगी, यहाँ मशीन रखी जाएंगी और उनको सिलाई सिखाएंगे, तैयार करेंगे, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। मैंने कहा बाबा हाँ हाँ, कटिंग मैं सिखला दूंगी, मेरे को कपड़ा काटना सिलाई करना आता है, मैं मेरे को बाबा रख लेना, मैं यहाँ सिखाऊं। नहीं बच्ची क्या बात करती है, तेरे से बाबा कटिंग का काम करेगा क्या? तेरे को तो बहुत जगह जाकर के सेवा करनी है, पतितों को पावन बनाना, ये किसी और का काम, किसी और को रख। एक दिन मैं उसे युगल को लेके आई थी तो बाबा ने मातेश्वरी गई हुई थी बेंगलोर में, तो मामा का कमरा था ये जहाँ दादी जी मिलते थे, अभी मेन रोड से जाओ, मामा उसमें रहते। तो बाबा ने कहा ये बच्चों को, शांति बहन थी उन दिनों में जो आवास विकास देती थी, कि इन बच्चों को मामा के कमरे में रखना, मामा की भाषणा आएगी इनको, माँ नहीं है ना यहाँ, उसी में हम लोग ठहरे। तो बाबा हाथ पकड़ के मुझे भंडारे में ले गए, टीन शेड का भंडारा था, यहाँ पानी बरसता था तो सब भीग जाता था, भट्टियां बनी, लकड़ियों से ही खाना बनता था। बच्ची आओ तुम्हें भंडारा दिखाए, भंडारे में ले गए, ये देहरादून का चावल है, ये मोटा चावल है, ये है, भोली दादी को बुलाया, भोली दादी ये बच्चे जितने दिन भी है ना उतने दिन देहरादून का चावल बनाना और देसी घी में खाना बनाना, इस बात पर ध्यान दे। तो एक दिन 10 बजे का टाइम, 11-12 बजे का टाइम था, तो बाबा के साथ हम आए, जब भंडारे में प्रवेश किया तो लकड़ियां जल रही थी, तवा नहीं रखा था और आटा भी रखा था, लोइयां वोइयां कुछ नहीं बनी थी, तो आग जलती हुई देख के बाबा को बहुत एक नाराजगी पैदा हो गई। बाबा बोले कहाँ गए सब लोग, ये इतना ईंधन जल रहा, नुकसान हो रहा, और रोटी नहीं बन रही, तवा नहीं रखा, कहाँ गए सब लोग? अभी मैं मम्मा को चिट्ठी लिखता हूँ, मम्मा ये सब बच्चे बिगड़ गए हैं, ये नुकसान करते हैं यज्ञ का। तो जल्दी जल्दी तवा रखा बाबा ने, और जल्दी जल्दी बाबा लोई बनाने लगे, हम भी खड़ी हो गई वहाँ और 2-4 रोटियां 10-5 बना के ऊपर जल्दी जल्दी डाली। मैंने कहा बाबा अच्छा, बाबा मुंह लाल हो गया, आंखों में आंसू बाबा के। मैंने कहा बाबा आप थोड़ा सा हट जाइए, मैं बना रही हूँ। बाबा ने कहा, बाबा बोले बच्ची बाबा तेरे से रोटी बनवाएगा क्या? नहीं नहीं बाबा तेरे से रोटी नहीं बनवाएगा, ये पछड़ माल इतना सब क्या करेगा। तो मैंने कहा बाबा नहीं, रोटी तो हम बनाना जानते हैं, हम बनाएंगे। नहीं बच्ची। अब बाबा के झरझर आंखों में आंसू, बाबा अभी मम्मा को चिट्ठी लिखेगा।
कि इतना नुकसान बच्चे करते हैं, जब सब्जी वब्जी हम लोग यहाँ बिनते थे रखते थे तो इतनी डंडी भी पालक की फेंकी नहीं जाती थी। तो बाबा उस दिन बहुत, फिर बोली दादी आ गई, सब 10-5 लोग आ गए, फटाफट लोइयां बना के रोटियां बनने लग गई। लेकिन बाबा को थोड़ा उस दिन ये आया कि मम्मा ने लाड प्यार में बच्चों को बहुत बिगाड़ रखा, क्योंकि जितने भी फैसले होते थे मम्मा के आगे बहुत अच्छे फैसले, बाबा थोड़ा गर्म भी हो जाते तो मम्मा उसको संभाल लेती थी। मम्मा की तो अपनी ही कारोबार थी। एक दफा इतनी त्याग की मूर्त, इतनी कानपुर में जब मातेश्वरी गई हुई थी तो सिविल लाइन सेवा केंद्र पर थी, तो मम्मा को कुछ यहाँ जमुना माता से कहा, जमुना बहन थी ब्राह्मणी, मम्मा ने कहा आज कुछ यहाँ पर दर्द हो रहा है। मम्मा ने कहा डॉक्टर को बुलाएं? कहा नहीं नहीं, बिल्कुल डॉक्टर को नहीं बताना, किसी को नहीं बुलाना, अभी तो हमको किदवई नगर चलना है। किदवई नगर का नया भवन बना था उस समय, जहाँ पर मैं अभी भी हूँ। भारतवर्ष में उस समय कोई अपनी ओन बिल्डिंग नहीं थी, वही आश्रम था, वही बना था। तो मामा को जाना था, मामा ने कहा तुरंत बॉम्बे ले जाओ, रमेश भाई की सिस्टर एक उषा डॉक्टर थी, वो कहा इंतजाम करेगी। तो मामा ने स्वयं बाबा को फोन किया, बाबा बच्चे ने नया भवन बनाया, उसका दिल टूट जाएगा बाबा, मामा को जाने दो आप इजाजत। मामा कभी भी तर्क वितर्क बाबा से नहीं करते, लेकिन बाबा से कहा बाबा मेरे को जाने दो आप, मैं 2-4 दिन के लिए जाती हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। फिर मामा एक सप्ताह तक हमारे पास रही थी, और जो भवन है उसकी फाउंडेशन भी बाबा को ले गए थे, हम बाबा तिलक नगर में गए हुए थे तो बाबा को ले गए थे किदवई नगर। बाबा को बोला बाबा यहाँ आप ईंटा रखो आपके हाथों से। बाबा ने कहा बच्ची तुम लोग भक्ति मार्ग में भी तंग करते आए मुझे, और अभी भी तुम मुझे परेशान करते हो, अरे ईंटा ऊंटा रखना तुम लोगों का काम है, मेरा थोड़ी काम है। लेकिन प्यार से उस समय, क्योंकि पहला पहला स्थान था, बाबा को भी बड़ा नाज था, हाँ किसी बच्चे ने सेवा करने के लिए एक स्थान प्रदान किया है, तो बहुत खुश हुए। और अभी 2-3 मास हुआ था उनको चलते हुए इस ज्ञान में। मैंने कहा बाबा अभी तो इनकी धारणा भी पूरी नहीं है। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, बच्चों को लेकर के आओ जल्दी। तो फिर हम उस युगल को यहाँ लेकर के आए थे, और मैं समझती हूँ उस समय का उद्घाटन उस भवन का जो था, बाबा ने टेप भर के भेजा था। रात भर टेलीग्राम लोगों के ऑफर आते रहे, बधाइयां बधाइयां आते रहे। उस समय टेलीग्राम ही आया करते थे, अच्छा काम खराब काम में, फोन तो थे नहीं, टेलीग्राम से। बहुत लोग भाई बहन दिल्ली से भी, हमारे जगदीश भाई भी आए थे, हमारी सहारनपुर से प्रकाश इंदिरा बहन जी भी आई थी, और दिल्ली से सुंदरलाल भाई भी आए थे। ऐसे करके 7 संदेशों ने भोग लगाया। बाबा का जो आदेश था उसी अनुसार बाबा को बड़ा नाज था। और फिर इसी तरह से एक नए केंद्र की इटावा में स्थापना की। तो एक मेरे पास एक पायनियर अखबार के वो आते थे पत्रकार, उनको मैं ज्ञान का कोर्स देती थी। तो एक दिन कोर्स ज्ञान का कल्प वृक्ष में समझा रही थी, तो मैंने उनको कहा कि कैसे ये डाउनफॉल में भारत जाता है, कैसे सतो रजो तमो में सृष्टि जाती है, सभी धर्मों का कैसे सतोगुणी स्थिति होती है, फिर कैसे तमोगुणी हो जाती है। तो वो मेरे से बोला कि ये जो आप कहती हैं, ये जो ब्राह्मण धर्म जड़ में बैठा हुआ है, तो इसकी भी एक दिन तमोगुणी स्थिति होगी। मैंने कहा नहीं भाई जी, ब्राह्मण तो सतयुगी दुनिया में ट्रांसफर होकर के जाएंगे। कहते नहीं, जब हर धर्म की तामस स्थिति आती है तो ब्राह्मण धर्म की भी जरूर आएगी। ऐसे करके डिस्कशन, वो पत्रकार आदमी था, तो बोला आप गवर्नर को बुलाइए, यहाँ मेला हो रहा। मैंने कहा अच्छा, कहा एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। मैंने कहा इसे गवर्नर आ जाता है? कहते हाँ हाँ। वो मेरी चिट्ठी लिख करके गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने यस कर दिया, और वहाँ के कलेक्टर ने मुझे बुला के कहा कि अरे बेंजी आपने क्या मेरा सिर दर्द कर दिया, गवर्नर आएगा, सारा इंतजाम प्रबंध मेरे को करना पड़ेगा, आपने किया क्या? तो मैंने कहा आप मना कर दीजिए, कोई बात नहीं। हमें भी उस समय इतनी समझ नहीं थी कोई काम वाम करने की, तो किसी ने बाबा के आगे पत्र लिख के भेजा कि वो बाबा आपने गवर्नर की मंजूरी दी है आने की और वहाँ मेला करने की, और दुलारी के पास तो चाय के लिए दूध भी नहीं होता है, वो चाय भी किसी को पिला सके दूध डाल के। बाबा ने दीदी को फोन किया दिल्ली में, कहा जाओ जरा वहाँ का सर्वे करके आओ इटावा। तो 3 बजे आज शाम
आसाम में लाता था गाड़ी, और 2 बजे मेरे पास एक चिट्ठी आई कि हम आ रहे हैं। तो मैं नहा धो के कपड़ा पहन के स्टेशन पहुंच गई। अपने ओम प्रकाश भाई जी थे और एक सुंदरलाल भाई थे और दीदी जी थी, तीनों ट्रेन से मैं स्टेशन पर लेने गई इटावा। अचानक दीदी ने बोला, परेशान तो नहीं हो गई अचानक ही हम लोग आए? मैंने कहा नहीं दीदी, चलो आओ। तो टोलियां वोलियां कुछ बन रही थी, तो दीदी ने देखा यहाँ तो टोलियां वोलियां बन रही, क्योंकि गवर्नर को आने का था और मेला भी था सभी लोगों को। तो दीदी ने देखा बहुत अच्छा, कुछ माताएं बहने हमारे साथ, सरिता बहन थी उसकी मदद, बहुत मददगार सहयोगी थी। दीदी जी को कपड़ा वपड़ा ला के दिया, साड़ियां वाड़ियां, भाइयों को कपड़े उपड़े ला के दिए। तो दीदी इतनी खुश हो गई, दीदी ने कहा यहाँ तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा दीदी गवर्नर आ रहे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, आपका हुक्म हो तो मैं 2 किलो बर्फी बाजार से खोए की मंगवा लूं, क्योंकि कमिश्नर भी आएंगे, सारे अधिकारी भी आएंगे। दीदी बोली कि है क्या बोलती है, ऐसी बात बोलती है ब्रह्मा कुमारी होकर, तो बाजार का ला के उनको खिलाएगी? अरे ये बुद्धियां इनकी, ब्राह्मण अपने हाथ से बना के खिलाएंगे, उनको खाने को मिलता ही कहाँ, बाजार का तो रोज खाते हैं। ऐसी कभी बात न बोलना, ये काम नहीं करना। तो फिर हम खोया वोया मंगा के खुद ही बर्फी पेड़ा बनाया। तो दीदी ने बड़ा अच्छा सुंदर पत्र लिखा बाबा कि बाबा वहाँ तो ऐसी बात नहीं है कि चाय नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा है। तो बाबा बहुत खुश हो गए। बाबा ने आत्म प्रकाश भाई को दिल्ली में जाए सब चित्र भेज दो, वहाँ सब वहाँ जाओ। और नांगल में थी मोहनी बहन, उस समय भाखड़ा नांगल में थी, वहाँ आंचल बहन थी, कहाँ चंडीगढ़ में थी शायद, कहाँ कहाँ थे। गुलजार दादी को भी कहा पहुंच जाओ वहाँ, सब के सब आ गए वहाँ। न हमारे पास कोई मकान था न कुछ था, टेलीग्राम आ रहे सब। एक हॉल था इससे थोड़ा छोटा, तो उस हॉल में हमने पार्टीशन कपड़े के रातों रात में डाले, केबिन बनाई कपड़े से। तो एक गुलजार केबिन बनाई दादी की, और एक मोहनी बहन की बनाई, तो एक उसकी बनाई। छोटा सा था, एक ही हॉल था, उसी के अंदर सब सबको सेट कर दिया। और एक लैट्रिन बात, तो एक फंक्शन था वहाँ, प्रोग्राम था। उस समय गवर्नर जब आए बी गोपाल रेड्डी, तो सभी थी बहनें हमारी, जब मैंने उनको अटेंड किया कहती ये क्या है। मैंने कहा आप उस कॉलेज में उस स्कूल में पढ़ करके गवर्नर बने, अगर इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की पढ़ाई आप पढ़ेंगे तो आप नारायण बन जाएंगे और बहन जी लक्ष्मी बन जाएंगी। उनकी पत्नी भी थी साथ में, तो वो सबसे बड़ा लक्ष्मी नारायण का चित्र था। इंदौर वाले ओम प्रकाश जी उस समय जाने कहाँ रहते थे, जबलपुर, तो वहाँ से चित्र लेके आए थे बहुत बड़े बड़े। तो उनको फिर समझाया गया सारा, बहुत अच्छा लगा उनको। फिर गवर्नर को लेके यहाँ भी आए थे हम, उनको ये विद्या बहुत अच्छी लगी। अभी मैंने सुना था कि उन्होंने अपने घर में भी ये केंद्र का रूप बनाया हुआ है, खोलते हैं आज दिन तक भी, अभी है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है। उनको अच्छा लगा, उन्होंने अपने घर पर भी गीता पाठशाला का रूप खोला। तो मैं ये बताना चाहती थी कि ना तो मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, ना मेरे अंदर कोई अक्ल थी, ना मेरे अंदर समझ थी, ना मैं बोलना जानती थी कुछ भी, लेकिन वो अव्यक्त परमात्मा पिता कैसे उसने मेरे को ये नया जीवन दिया, कैसे उस युद्ध से मुझे विजय दिलाई। जिन दिन बाबा थे, मेरे को अभी लगता है कि जब बाबा थे तो हम लोग उनको, बाबा को समझ नहीं पाए, इतना कदर हम लोगों ने नहीं किया बाबा का, समझ नहीं पाए कुछ, अपने पास समझ नहीं। आज पता लगता हो बाबा आपने इतने बड़े बड़े कार्य कर डाले, और ऐसे बहुत बच्चों के द्वारा किसी भी जज के पास चले जाते थे, किसी के पास भी। इटावा में मैं थी, बहुत सर्विस की, 4 साल तक मैं रही, वैश्यों की सर्विस मैंने की। जब गवर्नर आए, कमिश्नर, सब कलेक्टर पार्टी बैठी थी, मैंने कहा मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ वैश्य, वहाँ वैश्य बहुत, एक बाजार है पूरा वैश्य, मेरी इच्छा है कि बाबा की मुरली थी कि वैश्यों की भी जाके सेवा करनी चाहिए। तो मैंने उनसे बताई, निवेदन किया कि हमारे पिताश्री का आदेश है कि वैश्यों की सर्विस करो, तो आप मुझे थोड़ी हेल्प दीजिए, हम यहाँ के लोगों की हेल्प लेते हैं तो वो लोग हमको मना कर देते हैं। तो एक पूरा माना एक मोहल्ला ही वैश्यों का, तो उस मोहल्ले के अंदर एक जो तिवारी जी थे जिन्होंने हमको कानपुर में मकान दिया था, उनकी ससुराल थी, उनका मकान बिल्कुल वैश्यों के चारों तरफ, बीच में एक घर, बहुत बड़ा आंगन था। तो वहाँ कमिश्नर ने हमको पुलिस की सपोर्ट दी, बाहर 2 पुलिस वाले खड़े रहते थे। हमने वैश्यों के यहाँ जा करके कम से कम 100 वैश्या इकट्ठी हो गई। तो जब मैंने उनको रोज क्लास कराने जाती थी, 7 दिन का कोर्स उनके यहाँ जा करके दिया, तो सुनाते 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 कम हो गई वैश्याएं, रह गई अंत में। तो बाबा की चिट्ठी गई, बच्चे देखना जरा ध्यान देना, तुम वैश्याओं की सर्विस तो करने जाती हो, लेकिन ऐसा ना हो कोई ब्राह्मण कुल का डूब मरे उसे। तो मैंने देखा
कि मैं तो वाकई जाती थी, वो एक बहन थी जो मेरे संग रहती थी, उसका किसी विद्यार्थी के साथ दिल लग गया, वो उसके साथ भाग। बाबा के महावाक्य, बच्चे तुम विदेश में जाओगे, सब बच्चियां जाके सेवा करेंगी, उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा का हर एक महावाक्य कैसे सिद्ध हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। और हमारे जीवन के लिए भी बाबा ने जो ज्यादा टाइम हो गया ना, मुझे खत्म करना चाहिए था, फिर मैं विराम देती हूँ, फिर सवा दस, मुझे तो कहा गया था 10 बजे समाप्त कर देना। अब बातें तो बहुत याद आती हैं बाबा की, बस एक बात सुनाती हूँ। जब मैं मुरली सुना रही थी तो जब टेलीग्राम आया, फोन आया, बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो मैं मुरली पढ़ते पढ़ते मुरली एक तरफ रख दी और मेरा दिल बहुत खराब हो गया, मेरे को एकदम रोना आ गया। मैं उठ के बाहर पीछे बरामदे में चली गई, हालांकि स्टूडेंट बैठे हुए थे, वहाँ पीछे जाके मैं रोने लगी बहुत। बाबा आप चले गए, हमारा क्या होगा, अब हमारी संभाल कौन करेगा, मामा तो पहले ही जा चुके थे। तो मैं रो रही थी, बाबा ये क्या हुआ, आप कहाँ चले गए, बाबा आप क्यों छोड़ के चले गए। तो मैं रो रही थी तो बड़ी जोर सी एक आवाज आई मेरी पीछे, बच्ची जब धर्म पिता चला जाता है तो उस धर्म की जो आत्माएं होती हैं, धर्म को चलाने वाली होती हैं, वो उस धर्म की संभाल करती हैं। धर्म पिता तो जाते ही हैं, लेकिन धर्म पर चलने वाले बच्चे उस धर्म की रक्षा करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं। तो ये दो दफा आवाज आई मेरे कान में, मैं चुप कर गई एकदम से। उस समय मैंने सोचा बाबा चला गया, अभी हम माउंट अबू भी क्या करेंगे जाके, हम नहीं जाएंगे। भाई साहब ने बोला चलो बहन जी, मैंने कहा अब नहीं जाएंगे, माउंट अबू में क्या रखा है हमारा। जब ये आवाज आई मेरे को तो मैंने तुरंत बैग में अपने कपड़े उपड़े लगाए मैं। तो उस समय फिर अव्यक्त बाबा की पद्रा मणि गुलजार दादी जी के तन में जो पहला क्लास था कि बाबा क्यों गया, कैसे गया, कैसी प्रत्यक्षता होगी, बड़ी सुंदर वाणी है वो, कौन दिन था, बहुत अच्छी। अपनी दादी प्रकाश मणि जी को कलश रखा, मैं जब यहाँ पहुंची आगे, तो ऐसी ऐसी विशेष कई बातें याद आती हैं, अनुभव में आती हैं, जो हमको बाबा ने चलाया है। अपने अंदर इतनी समझ भी नहीं थी, अकल भी नहीं थी, इतना कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे हम, लेकिन कैसे भी कपड़े पहने होते थे, मिलने चले जाते थे। इंदिरा जी से मिलने के लिए मैं गई एक दफा, गांधी जी से भी मिलने के लिए गए थे, तो गांधी जी के पास जब मैसेज बाबा के लेके गए थे, तो बाबा ने कहा, जब बताया गया कि 500 लोग बाबा के साथ रहते हैं, गांधी जी ने कहा मैंने एक 13 महिलाओं का संगठन बनाया था, वो 17 दिन में टूट गया है, एक की चुटिया दूसरे के हाथ में, ये जरूर कोई ईश्वरी शक्ति है जो 500 लोगों को साथ लेके चलती है। तो आज इतना बड़ा बाबा की तपस्या का फल, आप इतने रत्न जो दिखाई दे रहे हैं, उस तपस्या ने कैसे आप लोगों को सबको खींच लिया, और आप भी भगवान पर कुर्बान हो गए, और आप ही सब भाई बहने निमित्त बने हैं, जो आज देश विदेश के अंदर आपकी तपस्या का प्रभाव नगर नगर में पहुंच रहा। ये माउंट आबू की धरणी अभी पेपर में, अभी मैं आई हूँ उस दिन 6 तारीख को, तो 4 तारीख के पेपर में था कि माउंट आबू की जो धरणी है वो केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वजह से ही आज उसका नाम इतना ऊंचा है, उसकी शान इतनी ऊंची है, पेपर में हम पढ़ रहे थे। तो ये आप सभी की का तप, योग, तपस्या और आप सभी की एकता, एक मिल करके कैसे एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसका प्रभाव सारे समाज पर, प्रत्येक आत्मा के दिल पर सभी मुड़ रहे हैं और सभी जुड़ भी रहे हैं। और माउंट आबू की महिमा केवल ब्रह्मा कुमारियों की वजह से ही है जो माउंट आबू को शानदार बना दिया, आज ये ऐसा स्थल बन गया कि बाबा अब जल्दी ही अपने कार्य को और भी आगे ले जाएंगे, हम सब सफलता को प्राप्त होंगे। इन शब्दों के साथ मैं, बातें तो बहुत आ रही हैं,
भरी हुई है दिमाग में, लेकिन बाबा आज भी कार्य कर रहे हैं और जब तक ये स्थापना का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक बाबा ही बच्चों को आगे करके ये कार्य स्वयं ही कर रहे हैं। ओम शांति।